एक आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा ज्ञान प्रकाश जी आपसे, और हाँ मैं आवाज ऑफ कर देता हूँ, काफी शोर आ रहा था। कांग्रेस को अपने घर के विभीषणों को भी ठीक करने की जरूरत है। सुरजेवाला जहां जाते हैं उनका पहला प्रोजेक्ट ये होता है कि कांग्रेस को हरवाया कैसे जाए। ही इज वन ऑफ द मेन स्लीपर सेल पर्सन। कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह सोचते कि कांग्रेस की दफन कैसे किया जाए इसको मध्य प्रदेश में। बघेल छत्तीसगढ़ में वो कर रहा है, अजय कुमार ने उड़ीसा में वो किया, और गुजरात की तो बात ही छोड़ दो, वहां तो जो भी कांग्रेस का नेता आता है वो इंटर्नशिप के लिए आता है, ट्रेनिंग करने के लिए कांग्रेस में आता है, उसके बाद बीजेपी में चला जाता है। वो कांग्रेस से रूट बेसिकली टू द बीजेपी एक्चुअली वहां पे गुजरात में, तो वो इंटर्नशिप करने आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेके वो वहां से सीधा बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वहां उनको मिनिस्ट्री वगैरह मिल जाती है सारी की सारी। अगर कांग्रेस इनसे मुक्ति नहीं पा सकती, और साथ में मैं बताऊं इस बार बहुत बड़ा डेंट जो मारा है वो कांग्रेस के लेड बैक एटीट्यूड है साउथ में मारा है, जिसमें डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया, रेवंत रेड्डी तीनों रेस्पॉन्सिबल है कि उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही थी, उन्होंने काम नहीं किया वहां पे। बंगले मिल गए, गाड़ियां मिल गई, मजे करने शुरू कर दिए, और ये लोगों ने कहा कि दे हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग एंड दे हैव डिस्कनेक्ट विद दैट वन, तो ये इनके लिए है। और इनके जो विभीषण है, मैं तो ओपनली कहता हूँ मुझे कहने में शर्म नहीं आती है, और कई बार कांग्रेस के प्रवक्ता जी मेरे सामने बैठे होते तो वो कहना तो चाहते हैं लेकिन वो उसको एंडोर्स नहीं कर पाते, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय ने जितना दफन किया है बीजेपी अपने कांग्रेस को, इतना कोई नहीं कर सकता था। वो कमलनाथ हारे वहां पर जब भी पिछली बार विधानसभा में, अभी पूरे नतीजे आए नहीं, कमलनाथ पहले फूलों का गुच्छ लेके और सीधे अपना शिवराज चौहान के पास चले गए कि आपको जीत की मुबारक हो, जैसे कि उससे वादा करके रखा हो कि मैं तुमको जिता दूंगा। तो भाई इन जैसे विभीषण हो जाए घर में तो हमें जरूरत क्या दुश्मनों की है, ये दिक्कत है इनके साथ। ज्ञान प्रकाश जी भोरा साहब ठीक कह रहे हैं आप, इन विभूषणों को निकालना चाहिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता था, मैं देशपांडे जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहता था कि उन्होंने जो सामाजिक न्याय की बात की कि ये जो हिंदुत्व का जो मॉडल है, जो मुसलमानों के खिलाफ या माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करने वाला जो मॉडल था, वो अब क्यों नहीं चलेगा या क्यों नहीं चलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 14, 17, 19, 22 यूपी में नॉन यादव ओबीसीज को बीजेपी अपने अम्ब्रेला में लेकर आई, और उस अम्ब्रेला से इस बार 2024 में इसी सामाजिक न्याय के लिए, जातीय जनगणना के लिए, ये जो जातीय जनगणना की जो डिमांड हो रही है वो इसीलिए हो रही है, और उसमें नीतीश कुमार जी ने बिहार में पहली बार कराया उसको, वो पहला राज्य बना। मैं समझता हूं कि एक तो जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्ष को बहुत जोर शोर से उठाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो नॉन यादव ओबीसी जो यूपी में इनसे अलग हुए हैं, कुशवाहा शाक्य मौर्य एक ही हैं, पॉल जो है वो अलग हुए हैं, निषाद भी काफी वहां से अलग हुए हैं, संजय निषाद के चक्कर में नहीं है वो, कबीर नगर की सीट पप्पू निषाद जो जीते हैं समाजवादी पार्टी के, संजय निषाद के लड़के के खिलाफ, वो भी वही चीज है, वही जनादेश है। तो ये जो सामाजिक न्याय की बात है, ये सामाजिक न्याय जो दलितों में, चाहे वो जाटव हो या नॉन जाटव दलित हो, वाल्मीकि, कोरी या पासवान हो, पासीज, यदि ये जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्ष के साथ रहेगा, विपक्ष उसको सस्टेन कर पाएगा सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए, ये वही दोबारा से चक्कर जो 1989 का मंडल और कमंडल वाला है, ये मंडल जो है अब जो है ये बहुत प्रासंगिक हो गया है विपक्ष के लिए। इसी मंडल में उन्होंने, मंडल में 1989 में यदि आपको ध्यान हो तो मुसलमानों की कुछ 20 15 20 जातियों को, जैसे मनिहार हैं चूड़ी वाले या अंसारीज हैं जुलाहे, इन लोगों को भी, मुस्लिम लोगों को भी ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन है उसका एक पार्ट उनमें है, उन लोगों को भी, उन जातियों को मिलता है ओबीसी का आरक्षण। मेरा कहने का मतलब था कि मैं देश पांडे जी की इस बात से बहुत सोले आने और 100% सहमत हूं कि विपक्ष को यदि सस्टेन करना है तो इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, और यही सामाजिक न्याय की लड़ाई यदि मध्य प्रदेश में भी लड़ी जाए, बेशक वो लोग हेट करते हैं, हिट नहीं करते, और यूपी में तो हेट भी करते हैं और हिट भी करते हैं, यूपी में दोनों चीजें हैं, गुजरात में भी हेट और हिट दोनों हैं। हाँ, मध्य प्रदेश की बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो वहां हेटरेड है लेकिन हिटिंग नहीं है, वहां कोई मॉब लिंचिंग के केसेस नहीं हुए हैं। मेरा कहने का मतलब था कि यदि आपका जो जो एनालॉजी हमारी उड़ीसा के अंदर है,
21 सीट की वो शायद उससे मैं सहमत नहीं हूँ, वहां कुछ अलग चीज था, वहां बीजेपी वर्सेस बीजेडी इस बार इलेक्शन हुआ है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये जो 65 सीट है, 66 सीट 29 मध्य प्रदेश की, 11 छत्तीसगढ़ की और 26 गुजरात की, इन तीनों जगहों पर भी यदि सामाजिक न्याय की लड़ाई को ठीक ढंग से लड़ा जाए, मजबूती के साथ लड़ा जाए और सोशल इंजीनियरिंग प्रॉपर की जाए वहां पर, इन तीनों जगह पर भी, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत चौंकाने वाले परिणाम। थोड़ी सोशल इंजीनियरिंग में कमी 2018 के दिसंबर में रह गई थी, शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा, वहां 116 सीट लेकर सरकार बनाई थी। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा मैंडेट था इनके पास, 2/3 से ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन हम उसको सस्टेन क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो आदिवासियों को कन्वर्जन का मुद्दा जो बीजेपी ने इस बार उठाया 2023 के दिसंबर में, वो मुद्दा क्लिक कर गया और वो हिंदुत्व की वापस उसी रागनी पर लेकर आ गए। जी सर, तो इन्हीं शब्दों के साथ समय समाप्त हो गया। हम शुक्रिया अदा करेंगे सभी दर्शकों का, काफी बड़ी संख्या में 800-900 तो अभी भी देख रहे हैं, 800-850 लाइव में, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो खुशी होती है कि अभी भी आप जो जनता के मुद्दे हैं उनके साथ बहुत एक्टिवली जुड़े हुए हैं, और हम चाहेंगे कि लोकतंत्र की इस लड़ाई में आप हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। ज्ञान प्रकाश जी, सुनील शुक्ला जी, विवेक जी, शुक्रिया आपका, क्योंकि आप इन चर्चाओं को सार्थक बनाते हैं, आपके बिंदु लोगों को पसंद आते हैं और शायद कहीं ना कहीं भारत, आप जैसे जो नए स्टार्स हैं हिंदुस्तान के, सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं, उन्हें एक तरह से सलाम करता है और मैं भी आपको सलाम करता हूँ। शुक्रिया आपका। शुक्रिया।